नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपको स्मार्ट सपोर्ट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराता हूँ। दोस्तों एक बार की बात है, मेरे घर पे होम थिएटर रखा हुआ था और होम थिएटर जो है अचानक से चलते चलते बंद हो गया, यानी उसके कुछ स्पीकर जो है, जैसे 4-in-1 मेरा होम थिएटर है तो 4-in-1 में से 2 स्पीकर जो है मेरे बंद हो गए थे। बेस वाला जो स्पीकर था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था, सिर्फ जो छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए थे उन छोटे छोटे स्पीकरों से साउंड आ रहा था, पर जो मेन वाला जो बूफर लगा रहता है उस बूफर से साउंड नहीं आ रहा था। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इसको जो है नजदीकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे ले जाऊं और उस पर ले जा करके मैं इसको रिपेयर करा दूं। पर दोस्तों मैं जिस जगह पे रहता हूं उस जगह से इलेक्ट्रॉनिक शॉप काफ़ी दूर था, जिसके कारण मैं उसको ले जाने में और लाने में बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घर पे ही आसानी से बना लें। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, आज हम आपको होम थिएटर का जो बूफर है वो अगर काम करना बंद कर दे तो आप आसानी से अपने घर पर कैसे फिक्स उसे कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा होम थिएटर आप देख रहे हैं टेबल पर रखा हुआ है। इस होम थिएटर को हमने पहले कनेक्ट कर लिया है कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे होम थिएटर में किस प्रकार का साउंड आ रहा है, क्योंकि जब हमने इसको चेक किया था तब इसका साउंड जो था वो प्रॉपर नहीं आ रहा था। हम इसके जो पीछे वाले जो नोट्स उनको लगा करके देख लेते तो उनमें जो है प्रॉपर साउंड आ रहा है, पर जो हमारा जो बूफर है, जो मेन वाला बूफर है, मेन वाले बूफर में हमको जो है साउंड नहीं आ रहा है। होम थिएटर के पीछे वाली की सभी लाइनों में ऑडियो मिल रहा है, यानी हमारे जो छोटे वाले स्पीकर वो अच्छे से बज रहे हैं, पर जो हमारा बूफर है वो अच्छे तरीके से नहीं बज रहा, मतलब समस्या इस बूफर में है। तो चलिए इसको चेक करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले जो है इसके पीछे से हम इसके चारों नट को खोल लेंगे, 4-6 नट जो होते हैं उनको अच्छी तरीके से खोल लेंगे और खोलने के बाद हमारा सिस्टम जो होगा कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। जब ये इस प्रकार से दिखने लगेगा दोस्तों तो एक इसमें ट्रांसफार्मर होता है, एक प्लेट होती है, इस प्लेट को हमको देखना है और इस प्लेट की जो ICs होती है उन ICs को पहले हमको चेक करना है। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं जिससे हम आसानी से इसको देख पाएंगे। कुछ ही नट होते हैं, कुछ नट को आसानी से खोलने के बाद जो है आपकी प्लेट जो है कुछ इस प्रकार से बाहर आ जाएगी। इस प्रकार से बाहर आने के बाद आप देखेंगे एक हीट सिंक लगी रहती है एल्युमिनियम की। इस हीट सिंक में एक 4 IC जो होती हैं वो अच्छी तरीके से सेटल्ड रहती हैं, यानी चिपकी हुई ICs रहती हैं। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये वायर हमारे होम थिएटर के स्पीकर का बूफर का वायर है और इस पर एक IC लगी हुई है, जो IC आप देख सकते हैं आसानी से उसी से। ये जो ICs होती हैं ICs की वजह से ही हमारे सिस्टम में साउंड आता है। ये जो 2 ICs हैं, 3 IC वाला ये है, किसी में 4 IC लगती, किसी में 6 IC लगती है। हम इसको मार्केट से परचेस करके ले आए, मुश्किल से 24 या 25 रुपये की IC मिलती है, पर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाकर के इसको रिपेयर कराएंगे तो आपको 200 रुपये से कम नहीं लगता, क्योंकि खुलाई का सही चार्ज भी वो लोग ले लेते हैं। तो सिंपली हम जो नई IC लेकर के आए इस IC को हम इसमें लगा देंगे। सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम इस IC को बड़ी प्यार से और बड़ी सहजता के साथ में निकालेंगे, जिसके इसके जम्पर जो है वो अच्छी तरीके से टूटे ना। आप भी इसको जो है आसानी से अपने घर पर, सभी के घर पर सोल्डरिंग आयरन होता है, उस सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप इस IC को निकाल सकते हैं। और इस IC को निकालने के लिए आप कुछ गैजेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास में बेसिकली अभी गैजेट्स नहीं है, इसलिए हम IC को जो है सिंपली जो है कहिए की सहायता से ही निकाल रहे हैं, कहिए और ब्रश की सहायता से हम इसको निकाल रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएंगे तो उनके पास में गैजेट्स होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से निकाल लेते हैं। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप इसको सावधानी पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि IC निकालते समय जम्पर इसके बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। तो हम इसको IC को जो है अच्छी तरीके से सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए IC को निकालते हैं। IC को अच्छी सावधानी पूर्वक आप निकाल लेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि IC का जो हीट सिंक वाला जो पोर्शन है वो किस तरफ था, यानी IC का जो मुंह होता है वो किस तरफ होता है, वह IC को आपको अच्छे से देखना है। अगर आपने पलटा करके लगा दिया तो आपकी जो IC है वो भी ख़राब हो जाएगी और आप सिक्का सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए हम इसको नई IC को हम इसमें लगा देते हैं। नई IC जो होती है उसको हम अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। ये IC आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। सिंपली हम इसको जो है अपनी इसमें प्लेट में इसको फिक्स कर देते हैं। IC जो है देख भी सकते हैं आपकी, अगर जब प्लेट को खोलेंगे तो प्लेट को खोलने
के बाद आईसी अगर हीट हो गई या फिर आईसी ख़राब हो गई या फिर आईसी जल गई है तो वो भी आसानी से देख सकते हैं। अगर उसका आपको नंबर नहीं मिल रहा है तो साइड वाली आईसीयों के नंबर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही आईसी जो होती है उसमें तीन लगी रहती हैं। किसी किसी जो बड़ा होम थिएटर होता है उसमें बड़ी आईसी भी लगी रहती है, यानी ज़्यादा आईसीयां भी लगी रहती हैं। अभी सिंपली ये जो 4-in-1 है इसलिए इसमें जो है तीन आईसी लगी हुई है, और अगर 6-in-1 होता तो इसमें जो दोस्तों चार आईसी वाली प्लेट होती। तो इसको हमने अच्छे से इसमें फिक्स कर दिया है और सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसमें हम जो है रंगा अच्छी तरीके से पिला देते हैं। रंगा पिलाने के बाद यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रंगा जो है नीचे की जो जॉइंट्स वो आपस में मिले ना, सिर्फ जिस जगह पे इसके जो स्लॉट दिए हों उसी स्लॉट पे ही हमको इसमें सोल्डिंग करना है। तो ध्यानपूर्वक आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमने इसको आईसी से अच्छे से फिक्स कर लिया। अगर कोई आपस में अगर जुड़ गए हैं तो उनको भी हमने अलग कर लिया। ब्रश की सहायता से अच्छी तरीके से इसको हम वॉश कर लेंगे। अगर आपके पास में थिनर है तो थिनर डाल करके भी अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको ट्राई करने की बारी आ गई है। हम इसको ट्राई करते हैं कि साउंड हमारा कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लूटूथ की सहायता से हम अपने होम थिएटर को कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसकी ऑडियो हम चेक करेंगे कि ऑडियो इसमें जो किस प्रकार का आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। दोस्तों इसका ऑडियो आपने देख ही लिया होगा कि इसका जो बूफर का जो ऑडियो है वो अच्छी तरीके से आने लगा है, यानी कि हमारी आईसी जो है काम कर गई है। हम इसको अच्छी तरीके से कस लेते हैं और उसके बाद फिर एक बार ट्राई करते हैं चारों जो हमारे जो छोटे छोटे जो स्पीकर्स हैं यानी ट्यून्स वाले स्पीकर्स हैं उनको लगाएंगे और बूफर को लगाएंगे। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सारे नट आपको अच्छी तरीके से इसमें फिक्स कर लेना है। अगर नट अच्छी तरीके से फिक्स नहीं होगा और वायर अच्छी तरीके से फिक्स नहीं होंगे तो दोबारा शॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से आपको कस लेना है, हीट सिंक का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। तो चलिए इसको हम कस लेते हैं। अब बारी है इसको जो है पूरी तरीके से कसने के बाद चेक करने के। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा बूफर जो है अच्छी तरीके से बज रहा है, इसमें साउंड आ रहा है और अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो चार 4-in-1 वाले स्पीकर थे वो भी अच्छी तरीके से बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और सारे स्पीकर जो हमारे बहुत अच्छी तरीके से बज रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपके घर का होम थिएटर बूफर अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो आपके बूफर पे लगी हुई है वो ख़राब हो सकती है, उसके बारे में आज हमने वीडियो में आपको बताया और आसानी से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए। नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए जिससे आपको हमारे और भी स्मार्ट सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और स्मार्ट सपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।